प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राजपथ से गुजरते हुए सीधा राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर जा रहा है, जहां पर हमारे हजारों जो सैनिक जो वीरगति को प्राप्त हुए उन सब के नाम दर्ज हैं। कई ऐसे युद्ध हमने लड़े जहां पर भले ही 1962 के युद्ध का जिक्र हुआ, लेकिन लड़ाइयां हमने वहां पर भी जीती हैं, जो सब कुछ इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर दर्ज है। ये हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख जो एक समय बैचमेट क्लासमेट हुआ करते थे। जी हाँ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। केसरिया साफे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल भी आए हैं गणतंत्र दिवस पर, हल्की फुल्के फेरबदल के साथ आपको यह नजर आएगा। लेकिन देखिए, तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिलते हुए, उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, और खासकर इस बार जो अलग है वो ये कि तीन सेनाओं के प्रमुख के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल बिपिन रावत, देश के पहले CDS, वो भी यहां पर मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को लेकर आगे आगे बढ़ते हुए और उनके पीछे तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS। 56th कोर्स के हैं तीनों सेना अध्यक्ष। आप भी जनरल सहाय, आप 56th कोर्स के हैं, आपके कोर्स में इस समय तीनों राष्ट्रीय समर स्मारक पर। हाँ गौरव, ये मेरे कोर्स के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है जब तीनों चीफ हमारे कोर्समेट हैं। हम लोगों का भी सीना जो है वो 56 इंच हो गया है, क्योंकि ये एक बड़ी विशेष सिचुएशन है जहाँ तीनों चीफ एक ही कोर्स के हैं, और एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ वो दोनों एक ही स्क्वाड्रन के, लीमा स्क्वाड्रन इंडिया स्क्वाड्रन। तो मतलब ये ऐसा सिचुएशन मेरे ख्याल से एक बारी कहीं पहले आया था हमारे हिस्ट्री में, और आज ये यहाँ मैं बैठा हूँ, इन तीनों को देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है इन तीनों को, स्मार्ट चीफ्स ऑफ ऑल थ्री सर्विसेज, और कितने हैंडसम लग रहे हैं मेरे कोर्समेट। सलूट टू ऑल ऑफ देम। और कितना महत्वपूर्ण है श्वेता कि अगर आप इस पड़ाव पर पहुंचे हैं, 2020 तक आप पहुंचे हैं, तो 25,963 रणबांकुरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया कि आपका देश इतना सशक्त हुआ, और आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप उनको सलामी ना दें। हम अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि परंपरा क्या होती है इसकी। सलामी शस्त्र, उसके बाद शोक शस्त्र, उसके बाद अगर आप 2 मिनट का मौन समझें जिस दौरान हम भी नहीं बोलेंगे, कहा जाता है जो वर्दी में है वो सल्यूट करे, जो वर्दी में नहीं है वो सावधान रहे। तो अपने घरों में भी बैठ के आप अपने वीरों को ये 2 मिनट के मौन की श्रद्धांजलि जरूर दें, और एक जगह पर रहें, जैसे आप राष्ट्रगान के समय खड़े होकर बिल्कुल सावधान की मुद्रा में रहते हैं, आज जैसे ही हम यहां पर मौन होगा, आप समझ लीजिए कि उस समय उन्हें श्रद्धांजलि देने की बारी है। और अब हम वहां की आवाजें, जरा वहां का जो धुन है वो सुनते हैं। अंतर से लगा सलामे शस्त्र, अंतर से लगा शोक शस्त्र। Thank you.
द ब्यूगलर्स साउंडिंग द राउंड। तस्वीरें आप देख रहे थे, दो मिनट का ये जो मौन है अपनी इस लंबी सी जिंदगी में से, अगर दो मिनट का ये मौन हम देते हैं तो उन शहीदों को सलाम है हमारा, नमन है। ये राष्ट्रीय समर स्मारक की तस्वीरें जहां पर एक लौ भी जलती है जो कि अमर जवान जवानों को याद भी करती है, और बहुत ही खूबसूरत ये 40 एकड़ में फैला इलाका जहां परम योद्धा स्थल भी है, जहां 21 परम वीरों की मूर्तियां वहां पर सुसज्जित है। हर एक युद्ध, हर एक लड़ाई का पूरा दस्तावेज है जैसे ये राष्ट्रीय समर स्मारक।